अच्छा, 2 दिन बाद शाहनवाज की बेटी की सालगिरह है, उसे बुलाया है, बड़े देर से जाना है। हाँ, जाना तो पड़ेगा, मैं तो जरूर जाऊंगी। सब जाएंगे। तुमने भी चलना है। जी अब्बू। शाहनवाज ने बहुत दिल से, बहुत इसरार करके बुलाया है। अच्छा लगेगा ना उसे कि हम सब मिलकर जाएं, उसकी खुशी में शरीक हो। यू फील गुड। वो तो मेरी फ्रेंड भी है। वैसे हिम्मत है शाहनवाज की, उसने अपनी बच्ची को अकेले ही पाला है, हमें उसकी खुशियों में शामिल होना चाहिए। तू क्यों फिक्र करती है मेरी बच्ची? तू देख लेना, जेबू एक ना एक दिन शाहनवाज से शादी करके रहेगी। अरे ऐसे ही नहीं घूम फिर रहे दोनों, सैर सपाटे कर रहे, और ये ढेरों ढेर शॉपिंगे काहे को हो रही है? हाँ दादी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ इतने मगन अंदाज में बातें कर रहे थे ना, और आरेस दोनों को एक साथ देखकर शॉक्ड रह गया। अरे ये आरेस कमबख्त को नजर नहीं आ रहा कि जेबू कैसे गैर मर्द के साथ घूमती फिर रही है? मैं तो कह रही हूँ इस अरेज की उस पैसे वाले शाहनवाज के सामने इतनी सी भी हैसियत नहीं है। दादी आपको पता है शाहनवाज जेबू के साथ मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें कर रहा था? दादी मैं आपको बता रही हूँ, कोई बात तो जरूर है, वरना कोई किसी को इतनी शॉपिंग क्यों करवाएगा? आरेस का तो तब से ही मूड ऑफ है। अरे मैं तो कहती हूँ ये शुक्र कर कि आरेस ने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया, वरना सुनी सुनाई बात पे तो वो यकीन ही ना करता। अब आरेस मेरी तरफ लौटेगा। हाय मैं सबके कुर्बान जाऊं मेरी बच्ची, खुश रह तू अपने घर में।